सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिस्टर टेकी और ये है नोकिया 3 और आज हम कर रहे हैं इस फोन के कैमरा रिव्यू के बारे में बात तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के एंड तक सुराई so, right, दोस्तों यहाँ पर नोकिया थ्री हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड ये स्टॉक एंड्रॉयड ऐप के साथ आता है एंड्रॉयड न्यूगढ़ की जो ऐप आती है स्टॉक एंड्रॉयड तो एप आप आपको कुछ इस तरीके से यहां पर नजर आ जाएगी फंक्शनैलिटी ऐप की बड़ी सिंपल है यहां पर आपको फोटो आइकन दे रखा है और यहां पर आपको वीडियो आइकन दे रखा है एंड वीडियो आइकन के लिए आप जितना जूम यहां पर सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा को यूज करना चाहते हैं सो ये यह आइकन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके अलावा यहां पर दोस्तों आपको एक टाइमर ऑप्शन भी दे रखा है एच का ऑप्शन भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर मैं डू ना मूव वेन यू आर यूज इन दी एच डी आर मोड और एच डी आर अगर आप बंद कर देते हैं तो आप फ्लैश मोड भी यहां पर यूज कर सकते हैं तो अगर दोस्तों हम स्टार्ट करें डे लाइट शॉर्ट से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायनामिक रेंज कितना अच्छा है और यहाँ पर मुझे फील्ड ऑफ व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है नोकिया थ्री में बट अगर थोड़ी सी भी लाइट ज़्यादा हो तो यहाँ पर पिक्चर्स ओवर सैचुरेटेड हो जाती हैं जैसे कि यहाँ देखिए आप और अगर मैं बात करूँ प्रॉपर लाइटिंग में डे लाइट में भी तो फोकस में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना अच्छा यहाँ पर आया है बट थोड़ा सा अगर आप लो लाइट एरिया में चले जाते हैं इवन तो यहाँ पर शेडोज़ काफ़ी ब्लैक है आप शॉट्स देख सकते हैं किस तरीके से थोड़े से ब्लड यहाँ पर हो जाते हैं बट ओवरऑल डे लाइट में आपको ज्यादा कंप्लीट नहीं होगी नोकिया के रेयर में 8 मेगापिक्सल कैमरा से पिक्चर्स आपको क्लैरिटी जरूर देंगी बट इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा पिक्चर्स uh, को बेटर करने के लिए सो so ओवरऑल आप काफी खुश होंगे इस नोकिया 3 के रेयर कैमरा को यूज करके सो so, चलिए अब जरा गौर फरमाते हैं इंडोर शॉट्स की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा फोकस का इशू जरूर रहा है जैसे ही लाइट कम हो बट अगर प्रॉपर लाइटिंग हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी पिक्चर्स भी जरूर आ सकती हैं यहाँ पर देखिए जैसे अगर आप ग्रीन और वाइट्स प्रॉपर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और शेडोज भी यहाँ पर प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगी और इस फोटो में भी आप देखिए ग्रीन जो ये एलिमेंट है काफी अच्छे से कैप्चर हुआ है इस फोटो में सो इंडोर में लाइटिंग अच्छी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है पिक्चर्स में तो so अब चलते हैं दोस्तों नाइट शॉट्स की तरफ यहां पर Nokia 3 से खींचे गए नाइट शॉट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अगर आप डायरेक्ट फ्लैश यूज करते हैं ऑब्जेक्ट पे तो सॉफ्ट फोकस की वजह से मेन ऑब्जेक्ट से ही यहाँ पर फोकस जो है हट जाता है बट उसके अलावा अगर आप एक जनरल फोटो खींचना चाहते हैं पूरे फील्ड ऑफ व्यू की तो वो थोड़ी सी हेजी ही आएगी अगर वहाँ पर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो बट थोड़ी सी भी लाइटिंग बेटर है तो यहाँ पर नाइट शॉट्स जरूर बेहतर हो जाते हैं रेयर कैमरा से जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पेड़ को पूरी लाइटिंग थी तो यहाँ पर ये यह काफी अच्छे से कैप्चर हुआ है और ओवरऑल अगर फ्लैश यहाँ पर यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से फोटो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी सो so ये है दोस्तों वीडियो सैम्पल शॉट नोकिया थी के रेयर कैमरा से सो so, ये दोस्तों आप देख रहे हैं आ, नाइट शॉट सेवन ट्वेंटी पी रिकॉर्डिंग है नोकिया थ्री से एंड दिस इज हाउ वीडियो लुक्स लाइक्स इन द नाइट आप देख सकते हैं सो so, ये था दोस्तों कैमरा रिव्यू नोकिया के नए डिवाइस नोकिया 3 का बताएगा कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक तो so, बताएगा दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद